नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर रामपुर डीएम जोगेंद्र सिंह और एसपी राजेश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीएम ने कहा कि बूथों पर वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे कि आपराधिक तत्व चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा ना डाल सके। आपको बता दें कि 36,497 वोट रामपुर में पहली बार मतदान करने वाले हैं। वहीं पर रामपुर प्रशासन पूरे निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार है, जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एसएसटी का डिटेल्स आपको दे दिया गया है। इसमें जो पोलिंग होगी समस्त व्यवस्थाओं में, इसमें कि केंद्र भी शामिल है, बूथ भी शामिल है, एफएसटी एसएसटी जोनल मजिस्ट्रेट इत्यादि, और भी जो पुलिस के मोबाइल्स, जो क्यूआरटीज बनाई गई हैं, क्लस्टर मोबाइल्स बनाई गई हैं, और शहर के एरिया में विशेष तौर से हमने मोटरसाइकिल स्क्वाड भी बनाया है, अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ गाड़ियाँ न जा सकें उसके लिए। इन सब को कवर करने के लिए हमारे पास लगभग 600 के आसपास इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स हैं। 30 बूथ ऐसे हैं जिस पर हम लोग अलग से वीडियोग्राफिंग की भी व्यवस्था रखते हैं। यह इसलिए है कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से जो चुनावी प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, उसमें किसी भी प्रकार से विघ्न न डाल सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ पर जो नए मतदाता जुड़े हैं वो प्रदेश के टॉप 5 जिलों में, जो हमारा जिला आया है रामपुर, लगभग 36,497 जो पहली बार मतदान करेंगे ऐसे युवकों को जोड़ा गया है, जो लगभग 2.05% है। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो चुनाव है प्रथम चरण में है, 1789 बूथों पर, 1071 केंद्रों पर, 5 हमारे यहाँ एसी सेगमेंट है। जो हमारी ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, 2 बार ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं जितने भी मतदान कर्मी हैं हमारे,